अगली खबर राज्यपाल संतोष गंगवार से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है और इस दौरान दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी हुई है। जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं मुलाकात के दरमियान की तस्वीर है, जब गुलदस्ता भेंट किया और ये स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया है संतोष गंगवार की तरफ से। और ये पहली मुलाकात है शिवराज सिंह चौहान से झारखंड के राज्यपाल बनने के बाद, ये मुलाकात शिवराज सिंह चौहान से की गई है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान निधि योजना में गढ़वा में रफ्तार पकड़ लिया है। 3 दिन सर्वर डाउन होने के बाद पहले दिन 12,000 और दूसरे दिन 50,000 आवेदन लिए गए हैं। अब इसको लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के मुंह पर अब ताला लग गया है। क्या काम क्यों जुड़वाना चाह रहे हैं? राशन कार्ड में नाम नहीं है मेरा, बच्चा के छोटा के नाम जुड़वाना है। महिला सम्मान जो मिल रहा है जी, फॉर्म भर दिए? भरे हैं लेकिन अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है। तो हम भरवे नहीं किए हैं, राशन कार्ड बनेगा तब ना, राशन कार्ड में नाम ही नहीं है, राशन कार्ड बनवाने खातिर आए हैं। मैया सम्मान योजना से जुड़ रही हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है वो बहुत तेजी से धरातल पर उतर रही है। हर पंचायत पर, हर अंचल एरिया में, वार्ड पर हमारे VLEs अच्छी खासी संख्या में मौजूद है विद फुल गैजेट्स। उसकी मॉनिटरिंग प्रखंड और अंचल लेवल से और हमारे वरीय पदाधिकारी के द्वारा भी की जा रही है। और कल रात तक का जो खबर है, हम लोगों ने अभी तक 53,539 फॉर्म्स को डिजिटाइज कर दिया है। और इसी बीच आपको गिरिडीह से बड़ी खबर बता दें, जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां दलित महिला का मुखिया पति पर ये आरोप है कि जबरन धर्मांतरण और मारपीट करने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया और साथ ही एक कमेटी का भी गठन कर दिया है, जिसके बाद कमेटी के सभी सदस्यों ने गांव में जाकर पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों से बातचीत कर जानकारी हासिल की है। ये तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब ये कमेटी वहां पहुंची थी और उस महिला से बातचीत की गई। दरअसल महिला ने आरोप लगाया है मुखिया पति पर जबरन धर्मांतरण कराने का। वहाँ स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि निश्चित है कि जो उनकी सास जो पिछले कई वर्षों से मुस्लिम धर्म का पूजन पाठ कर ली है और कहीं ना कहीं उसको मुस्लिम धर्म में शामिल कराया जा चुका है, वह घर में वो काम करती है जिसका विरोध उसका पतोह करती है और इस विरोध को मुस्लिम समाज को जाकर के उन्होंने बोला। वहाँ मुस्लिम समाज आकर के विवाद किया, उसके साथ मारपीट हुई, वो इस मामले में उन्होंने आवेदन दिया